सभी को डॉक्टर राजीव रंजन का नमस्कार। मैं आज एक ऐसी बीमारी लेके आया हूँ जो कि हमारे ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है। इसका नाम है सोग्रेन सिंड्रोम। इस वर्ड में जे साइलेंट होता है तो हम बोलते हैं इसे सोग्रेन सिंड्रोम। सोग्रेन सिंड्रोम जो होता है एक ऑटो इम्यून बीमारी है जो हमारे ही बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज करती है। तो ये बीमारी सबसे ज़्यादा हमारे ग्लैंड्स को अफेक्ट करती है, जैसे कि हमारे आँखों के ग्लैंड्स हुए, वो माउथ में ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा बनाता है, आँखों में जो ग्लैंड होते हैं जो आंसू बनाते हैं, तो ये सब ग्लैंड्स को अफेक्ट करते हैं। ये जनरली 40 से 60 साल के महिलाओं में होता है, 10 गुना ज़्यादा कॉमन है ये फीमेल्स में होना। सो चलिए जानते हैं ये सिंड्रोम क्या होता है, जिसको हम सोग्रेन सिंड्रोम बोलते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और ये क्या क्या करवा सकता है। सोग्रेन सिंड्रोम कॉमनली ड्राई आई और ड्राई माउथ करवाता है, मतलब कि मुंह में सूखापन रहेगा आपको हमेशा, आंखों में सूखापन रहेगा, ऐसे लगेगा कि आपके आंखों में धूल है, कंकड़ है, चुभता रहेगा, कभी कभी बहुत ज़्यादा रेडनेस भी हो जाती है आंखों में, मुंह में बार बार सूखापन होगा, आप कुछ खाएंगे तो उसको निगल नहीं पाते हैं, आपको बार बार पानी की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आपके दांत टूटने लगते हैं, दांतों में कीड़े लगने लगते हैं क्योंकि आपका सलाइवा नहीं बनता है। हमारा जो पैरोटिड ग्लैंड होता है यहाँ, वो भी कभी कभी लोगों में बड़ा सा सूज जाता है। सो पैरोटिड ग्लैंड की इनलार्जमेंट भी ये बीमारी करवाता है। ये जॉइंट और मसल को भी अफेक्ट कर सकता है, तो जोड़ों में दर्द और गठिया भी करवा सकता है। मांसपेशियों में दर्द हमेशा होना, मांसपेशियाँ कमज़ोर होना, ये भी एक लक्षण होता है। कभी कभी लोगों को कार्पल टनल सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है, या फिर पैर हाथ में झनझनाहट होना, सुन्नपन होना, जलन होना, ये भी शिकायतें होती है। जब ये बीमारी बहुत ज़्यादा और बढ़ जाता है तो लंग्स में, फेफड़े में खराबी करता है या किडनी को ख़राब कर सकता है, काफ़ी बार ब्रेन में स्ट्रोक भी करा सकता है और हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भी रेयरली डैमेज करा सकता है। तो ये एक बीमारी ऐसी कॉमन बीमारी है, लेकिन जनरली अवेयरनेस नहीं होता है, लोगों को पता नहीं होता है, डॉक्टरों को भी नहीं पता होता है, तो इसका डायग्नोसिस बहुत ही डिले होता है, कम से कम 10 से 15 साल लग जाते हैं इसको डायग्नोसिस करने में। तो अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम हो जिसमें मुंह में सूखापन हो जो कि 3 महीना से ज़्यादा हो, आँखों में बार बार ड्राइनेस हो या टीयर्स नहीं बनते हैं, जो कि आई के डॉक्टर चेक करते हैं और देखते हैं कि आपकी आई बहुत सीवियर ड्राई आईनेस है या ड्राई हो रही है, तो ज़रूर अपने रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाएं और इस बीमारी के बारे में ज़रूर डायग्नोसिस करें। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, मैं अगले पार्ट में बनाया हूँ, जो कि पार्ट 2 है इस वीडियो का, जिसमें हम बताएंगे कि इस बीमारी को कैसे डायग्नोस करते हैं या इसका इलाज में क्या क्या दवाइयाँ यूज़ करते हैं। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो कृपया लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर करें कि जो भी ऐसे लक्षण वाले मरीज हैं वो सही डॉक्टर के पास जाएं और इनका इलाज सही हो। इस मेडग्राम चैनल पर मैं अर्थराइटिस और ऑटोइम्यून डिजीज़ के बारे में सब कुछ बेसिक जानकारी, जो कि एक मरीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है या उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए ज़रूरी है, बताते रहता हूँ। तो कृपया मेरे मेडग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।